हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेसिपीज़ बाय एवी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और जैसे कि आप जानते हो, मैंने पहले भी बहुत सारे लॉकडाउन के लिए रेसिपी शेयर की है, जिससे आप घर पे बने हुए सामान के साथ ही कुछ नई रेसिपीज ट्राई कर सकते हो। और ये केक जो है वो सूजी से बना हुआ है और बिना बेकिंग पाउडर और बिना बेकिंग सोडा के हम इसे बनाएंगे। फिर भी ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा और हम इसे कढ़ाई में बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं रवा केक। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1/4 कप एकदम फाइन सूजी ली हुई है। अगर आपके पास सूजी फाइन सूजी नहीं है तो आप यहाँ पे सूजी को मिक्सर ग्राइंडर में एक बार पीस लीजिएगा। फिर मैंने यहाँ पे 3/4 कप पाउडर शुगर ऐड किया है। पाउडर शुगर भी आप घर पे पीस सकते हो। और चुटकी भर हमें यहाँ पे सॉल्ट ऐड करना है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। कभी भी किसी मीठी चीज़ में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करने से उसका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा एनहांस हो जाता है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 3/4 कप दही ऐड करेंगे। दही भी घर का बना हुआ ही है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे दही जो है वो ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि ये थोड़ा सा कंबाइन ना हो जाए, तब तक मिक्स करेंगे। और फिर हम इसमें 1/4 कप रिफाइंड ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल को ऐड करने के बाद अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे 1/2 कप, जो कि रूम टेम्परेचर पे ही है। अब इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे और केक का बैटर बना लेंगे। फिर हमें इसे 1 घंटे के लिए ढक के रेस्ट होने देना है, ताकि केक जो है वो एकदम फुला हुआ बने। मीनवाइल मैं यहाँ पे केक टिन को ग्रीस करके रख दूंगी। ऑयल से ग्रीस करना है, और अगर आप बटर पेपर इसमें ऐड कर रहे होंगे तो फिर आपको यहाँ पे मैदा डस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बटर पेपर नहीं ऐड कर रहे हो तो आप इसमें मैदा डस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आफ्टर 1 आवर जो रवा है वो फूल चुका है। अब हम इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप यहाँ पे इलायची का पाउडर ऐड कीजिएगा 1 टीस्पून जितना। यहाँ पे बैटर जो है वो थिक है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करूँगी। यहाँ पे 2 से 4 टेबलस्पून मिल्क मैं इसमें ऐड करूँगी, और प्रॉपर कंसिस्टेंसी वाला केक का बैटर हम इसमें बना लेंगे। मिल्क जो है वो हमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, ताकि अगर ज़्यादा मिल्क हम इसमें ऐड करेंगे तो बैटर जो है वो पतला हो सकता है। थ्री टेबल स्पून मिल्क ऐड करने के बाद बैटर जो है वो प्रॉपर कंसिस्टेंसी का बना है। अब हम इसमें इनो ऐड करेंगे, फ्रूट सॉल्ट जो आता है उसे ऐड करना है, और 1 डायरेक्शन में इसे हमें मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब जो केक टिन को हमने रेडी किया था उसमें मैं टूटी फ्रूटी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं 3 से 4 टेबलस्पून टूटी फ्रूटी ऐड करूँगी। आप यहाँ पे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो, या फिर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दीजिएगा। अब जो बैटर हमने बनाया था उसे इसमें पोर कर देंगे, ऊपर से थोड़ा सा टूटी फ्रूटी स्प्रिंकल कर देंगे। मीनवाइल हमें पहले से ही यहाँ पे 10 मिनट के लिए कढ़ाई को प्रीहीट करने रखना है मीडियम फ्लेम पे ढक के, और बीच में सेंटर में स्टैंड रखना है, 2 इंच का स्टैंड होना चाहिए। आफ्टर 10 मिनट्स कढ़ाई प्रीहीट हो चुकी है। अब हम केक टिन को सेंटर में रख देंगे और फिर से इसे 30 से 35 मिनट्स के लिए बेक होने देंगे। 25 मिनट्स मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे बेक किया था और 5 मिनट लो फ्लेम पे। आफ्टर 35 मिनट्स यहाँ पे परफेक्ट केक बनके तैयार है। आप चाहे तो नाइफ़ की मदद से या फिर टूथपिक की मदद से चेक कर सकते हो। यहाँ पे सॉफ्ट केक बना है। केक ठंडा होने के बाद आप नाइफ़ की मदद से साइड्स को अलग कर दीजिएगा और केक को डीमोल्ड कर लीजिएगा। ठंडा होने के बाद ही केक को डीमोल्ड करना है। बहुत ही ब्यूटीफुल कलर आया है केक का, और बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी केक यहाँ पे बना है। यहाँ पे सूजी केक बनके तैयार है, जिसे हमने सूजी के साथ बनाया था बिना बेकिंग पाउडर, बिना बेकिंग सोडा एंड विदाउट कंडेंस मिल्क के, वो भी कढ़ाई में। सो फ्रेंड्स, ये केक को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।